गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू राजन ब्लॉग्स। आप लोगों का स्वागत है चक्राता हिल स्टेशन से। इसको देखो जरा, देख रहे हो, मतलब इतना क्यूट है ना। एक तो ये लड़का जितना ये क्यूट दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा ये शरारत करता है। और आज बाई चांस ये मुझसे ना कलर में मैच हो गया है। देखो नीचे से भी देखो, ब्लू जीन्स है। ये देखो जी, यहाँ से व्यू देखो हमारे होटल से। दृष्टि जी भी रेडी हैं, यानवी जी भी रेडी हैं। यानू बंदर थे, बंदर तो बहुत सारे थे यार यहाँ पे, ठक ठक कर रहे थे। देखो, अच्छा रुक जा, एक मिनट रुक जा, मुझे बोलने दे। देखो यहाँ पे क्या है ना, आजो भी आजो, छत पे जाओ ना, छत से बना। हाँ हाँ जाते हैं। तो गाइस क्या है, कल हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे रात को, होटल ढूंढने में घंटा लगा। उसके बाद बंदरों ने परेशान किया, तो फिर हम थक हार के सो गए थे। डिनर करने गए थे पास में रेस्टोरेंट पे। अभी क्या है, सुबह के बजे हैं 10, सब नहाए धोए हैं, दो अलग अलग रूम दिए थे, तो अभी तक सब ठीक ठाक है। सुबह उठते ही भी बंदरों ने भी आतंक मचा दिया था, ऊपर से छत पे पता नहीं कहाँ कहाँ से कूद रहे थे। बाकी ये है कि अभी हम यहाँ से निकलेंगे चेकआउट करके, ब्रेकफास्ट अभी आया है। पीस है यहाँ पे ना, मतलब अगर कुछ ना करना हो, वैसे ही आना हो तो आ जाओ। पुरानी है पर जगह पूरी, देखो पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे, कुछ भी आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। एक ना पूरी हिल टॉप पे ये बसा हुआ है पूरा। देखो एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी की थी हमने रात को, वो खड़ी ब्लैक वाली क्रेटा वहाँ खड़ी है, वाइट वाली मैं अपनी वहाँ उधर खड़ी करके आया था। चलो ये वाला रूम हमारा था। हो गया भाई सब रेडी, चलो जी ब्रेकफास्ट करते हैं। कहाँ रखा है? हाँ जी मैडम, रेडी? गुड मॉर्निंग, रेडी? मज़ा आया क्या यहाँ पे आके? आया सही से बताओ। सही है, ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक। बच्चों को तो क्या है ना गाइस, कि घर से निकल के ही इनको तो मज़ा आ जाता है। कहीं के लिए भी थोड़ा बहुत निकल जाओ, इधर उधर चले जाओ, तो वैसे ही इनका मन बहल जाता है। काफ़ी दिन से निकले नहीं थे, और फिर ये है कि फिर इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे अभी कब से, 3 या 4 तारीख से ना, तो फिर शायद इसके बाद हम लोग जल्दी से कहीं ना जा पाए, फिर गर्मियों की छुट्टियों का वेट करना पड़ेगा। अभी तक तो क्या था कि कोविड के चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इसीलिए हम लोग सब घूम पा रहे थे इतना फैमिली के साथ। क्यों जी अनु जी, सब बढ़िया है ना? तो वही था कि चिल करने आए थे हम लोग, अपना काम निपटा के फिर चलेंगे, बाकी कुछ तो है नहीं। ब्रेकफास्ट में देखो क्या आया जी, ब्रेकफास्ट दिखाओ जरा। अच्छा पराठे हैं जी, 2 पराठे, छोले, दही, अचार भी है, या पराठा सिंगल है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा निकल के यहाँ से। ये एक छोटी सी मार्केट है यार चक्राता, इतना ही है बस। होटल था हमारा जैन होटल चक्राता, बढ़िया है यार, ठीक ठाक फैसिलिटी है, खाना पीना भी सब सही मिलता है, और बाकी जो अदर होटल देखे थे हमने उससे बेहतर रूम है इनके। ठीक है देख लेना स्क्रीनशॉट लेके नंबर नंबर। धूप निकल रही है तेज़ और गर्मी लग रही है भाई साहब। हाँ आ जाओ बेटा। ये हमारा रेन वाइज़र ऐसे लगा हुआ था, ये कल बंदर ने उखाड़ दिया। ये देख रहे हो बंदरों के पैरों के निशान है इस पर अभी भी। उस तरफ से देख लो एक बार, वहाँ तो नहीं उखाड़ा? नहीं यहाँ तो कुछ नहीं किया, तो रात को तो सेफली खड़ी रही गाड़ी। ये यहाँ की पार्किंग है ऊपर, अगर आप लोग यहाँ आसपास होटल लेते हैं तो पार्किंग यहीं पे लगानी पड़ेगी आपको गाड़ी, नहीं तो रात को आप मार्केट के अंदर भी लगा सकते हो कहीं पे। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं टाइगर वाटरफॉल, टाइगर फॉल, ठीक है, मेजर अट्रैक्शन है जो। उसके बाद गाइस रास्ता ना बिल्कुल ऐसे घुमावदार है बिल्कुल यार, मतलब ऐसे स्टीयरिंग पे हाथ है मेरा तब से। ये देखो, ये देखो, इधर अब इधर, अब सामने दिखाओ जरा मैडम। ये देखो पहाड़ ऊपर है, हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं, नज़ारे बिल्कुल अल्टीमेट ऑसम, जबरदस्त वाले हैं यहाँ पे। अब इधर से दिखाओ, इस तरफ दिखाओ जरा, ये नज़ारे देखो यार, ये वाले देख रहे हो, हरे भरे पहाड़, ऐसा लग रहा है हिमाचल है, जैसे उत्तराखंड नहीं लग रहा आज बिल्कुल भी। ये ना आज माँ बेटी लड़ी हुई बैठी हैं दोनों। अच्छा नहीं, आगे बैठने के चक्कर में नहीं, मम्मी और पीछे वाली बड़ी बेटी, इनका झगड़ा हो गया आपस में, वोमिटिंग आती है। मैं आगे बैठूंगी, वो कह रही मैं आगे बैठूंगी। अब मैं पीछे बैठ जाता अगर कोई इनमें से गाड़ी चला लेता तो। मैं चला लेती हूँ। फिर तो पहुंच गए। हैवी ड्राइवर है मैं, कल तक ही पहुंचेंगे। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट जहाँ से टाइगर फॉल की टिकट्स मिलती हैं। ये देखो ऊपर लिखा है वेलकम टू टाइगर फॉल। यहाँ से पैदल का ट्रैक है, कितने दूर का भैया? सर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, और टिकट लेनी पड़ेगी ना यहाँ से फॉल की टिकट। और यहाँ से बाय रोड हम जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं फॉल तक। हाँ और ट्रैक करके भी जा सकते हैं। अच्छा कितनी ये कितनी दूर है रास्ता? ये 2.5 किलोमीटर है।
अच्छा गाड़ी पूरी वहीं तक जाती है, पास में वहीं तक जाती है, पार्किंग बनी है फॉल के पास। चलो बढ़िया। टिकट कितने की है सर? 30 रुपीज पर हेड है। तो देखो वो वाला रास्ता है, ट्रैक पाथ टू टाइगर फॉल, वो रास्ता वहाँ से होते हुए जाता है ऐसे टाइगर फॉल पे। हम लोग जाएंगे यहाँ से बाई रोड 2.5 किलोमीटर नीचे, वो वहाँ से जाना है ऐसे नीचे ना। चलो यहाँ पे कैंटीन भी बनी हुई है, कुछ खाना पीना हो आपको तो यहाँ पे आके खा सकते हो। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं टाइगर वाटरफॉल की पार्किंग में। एक ये जो रास्ता है ना ये नीचे तक आता है यहाँ पे। देखो ये यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। रास्ता काफ़ी ऑफ रोड था, देखो धूल उड़ रही है अभी भी गाड़ी जाने से। चलो ये यहाँ से जाएगा अब रास्ता, 100 मीटर है, आ जाओ भैया। रास्ता ख़राब था भाई साहब, सोच समझ के आना गाड़ी लेके, और बहुत नैरो, एक ही गाड़ी निकलेगी एक बार में। चलो जी चलो आ जाओ। ओए होए होए, पास से दिखाई देगा आपको, अभी नहीं दिख रहा होगा, देख रहे हो? और ये पानी सब बह के इधर जा रहा है इस तरफ, हवा ठंडी आ रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए होए होए होए, बेहतरीन, वाओ। देखा यानू कैसा लगा? अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। चलो जी चलो गाइस, बहुत ही गजब है यार। चलो चलो चलो, ये व्यू देखो यार, देख रहे हो भाई साहब, गजब का नजारा है। इसकी आवाज ना बहुत ही जोरदार आ रही है। और ये देखो, इनको देखो पानी देख के पागल हो जाती है बिल्कुल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। दृष्टि, इसको टाइगर वाटरफॉल क्यों कहते हैं जल्दी बताओ? भाई साहब बहुत ही गदर वाटरफॉल है ये वाला ना। अभी मैंने यहाँ पे ड्रोन फ्लाई किया था, और ड्रोन भी ना बीप करने लगा उसके पास जाने से, क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब देखो इस तरफ आया हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको ना इसका नज़ारा। पानी है यार यहाँ पे, इधर से जाता हूँ, पानी की छींटे आ रही है बहुत दूर तक। आवाज़ पता नहीं आपको मेरी आ रही होगी कि नहीं। ये देखो, अगर वहाँ नीचे खड़ा होना पड़ जाए ना किसी को भैया, बहुत ज़ोर से चोट लगेगी, देख रहे हो? ओ माई गॉड, भाई इतने ज़्यादा प्रेशर वाला वाटरफॉल मैंने बहुत ही कम देखे हैं। एक वहाँ देखा था, कहाँ पे देखा था? सेंज वैली, नहीं देवहारी विलेज के पास, हाँ सेंज वैली था वो। नहाने का मन कर रहा है इसको देख के। देख रहे हो गदर वाटरफॉल। चलो जी चलो चलो, घूम लिए वाटरफॉल। दृष्टि कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। हाँ। हम लोगों को ना गाइस जितना बोर लगा ना चक्राता में, उतना ही यहाँ आके मज़ा आया। यान भी आपको कैसा लगा? अच्छा। अच्छा, अभी मैं पता है इसको गोद में उठा के क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आगे पानी है, इसके शूज़ हो जाएंगे गंदे गीले। तो जी ऐसा है, हम लोग निकल चुके हैं चक्राता वाटरफॉल से, बहुत ही मज़ा आया। रास्ता ख़राब वाला फिर से पार कर दिया है, अब फिर से अच्छे वाले रास्ते पर आ गए हैं। अब यहाँ से पहले आएगा चक्राता, फिर वहाँ से देहरादून जाएंगे। लगभग 3.5-4 घंटे लगेंगे हमें देहरादून तक पहुंचने में यहाँ से, और अभी 1:37 हो गए हमारी घड़ी में। ठीक है, तो यही बता रहा था मैं कि अगर आप लोग आओ चक्राता तो वाटरफॉल ज़रूर आना, टाइगर वाटरफॉल, बहुत मज़ा आया। और कुछ नहीं है चक्राता में, बाकी सब बढ़िया है। और बताओ क्या हाल चाल है आपके? इसी बात पर लाइक कर दो वीडियो अगर पसंद आया हो तो, चक्राता का वाटरफॉल, टाइगर वाटरफॉल। We'll be right back.
तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून में, रोड पे रुक गए थे हम लोग देहरादून जाते हुए। यहाँ से देखो नज़ारा कुछ ऐसा है, ये हमारा होम स्टे है, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक वहाँ खड़ी है, ठीक है। एक रूम ये है, एक उसके साथ वाला है। रूम आपको दिखाता हूँ एक बार अंदर से, ये देखो देख लिया। तो एक रूम है ये ट्रिपल बेड वाला, और इसके साथ वाला रूम जो हमने लिया है वो है डबल बेड, और साथ में एक एक्स्ट्रा बेड वो लगा के देंगे इसमें। सुबह क्या है कि उसी प्लॉट की रजिस्ट्री है जो मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट डे वाले दिन, तो इसलिए यहीं पे हमने रूम ले लिया। यहाँ से पास में अथॉरिटी है, वहाँ जाना है, रजिस्ट्री करेंगे, उसके बाद हम घर निकल जाएंगे कल यहाँ से। तो गाइज आज के दिन के लिए इतना ही था जो आप लोगों ने सुबह से देखा। टाइगर वाटरफॉल के आज आपको नज़ारे दिखा दिए हमने, और अभी क्या है कि हम लोग डिनर करेंगे और आज सो जाएंगे अंधेरा आ रहा है, और कल यहाँ से अपना काम निपटा के हम लोग दिल्ली निकल जाएंगे। तो यही था, बाकी आज यहीं पे ख़त्म समझ लिए ट्रिप को। कल शायद वीडियो ना बनाऊँ, या बनाऊँगा तो आप लोग देख लेना, बच्चों को देखो मज़े कर रहे हैं। बस इसी के साथ ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चले जाना, बाकी सब बढ़िया है। चलो बाय, गुड नाइट, बाय बाय एवरीबॉडी। देख लो हमारे रिश्तेदारों को भी देख लो दोबारा, पता नहीं वीडियो में दिखाई देना दे। बाय बाय।